आज हम मौजूद हैं पंजाब के पहले सिख हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह की तारीखी हवेली पर। ये जगह जहां मैं इस टाइम मौजूद हूं, मेरे अकब में आप एक तख्ती देख रहे होंगे जिस पर महाराजा रणजीत सिंह का नाम और उनकी तारीख पैदाइश दर्ज है। तारीख पैदाइश की अगर मैं बात करूं तो महाराजा रणजीत सिंह 2 नवंबर 1780 को पैदा हुए और यही वो जगह है मेरे अकब में जो आप कमरा देख रहे हैं, ये वो कमरा है जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई। महाराजा रणजीत सिंह की पैदाइश को 243 बरस बीत चुके हैं। आज आपको इस तारीखी हवेली का अहवाल बताएंगे और इसकी मौजूदा सूरत हाल दिखाएंगे, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में आगे बढ़िए। महाराजा रणजीत सिंह की तारीखी हवेली का विजिट करने के लिए हमने लाहौर रिंग रोड से रखते सफर बांधा। रिंग रोड से मोटरवे M11 सियालकोट ली। मोटरवे पर 25 से 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम GT रोड पर आ गए और यूं तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला में दाखिल हो गए। गुरु नानकपुरा बाजार के करीब गाड़ी पार्क की और इससे आगे हवेली तक पहुँचने के लिए पैदल चल दिए। हवेली जाने के लिए अंदरूनी शहर के मसरूफ तरीन बाजारों से गुजरना पड़ता है। इस सफर में हमारे साथ टीम लीडर सलमान फारूक खुद मौजूद थे। गुजरांवाला के सहाफी दोस्त सुफियान भट्ट और उनकी टीम भी हमरा थी। यह है ब्रांडरथ गेट जहां से दाखिल होकर हम हवेली की जानिब बढ़ते हैं। इस गेट से दाखिले से कबल हमें बहुत सारी खाने पीने की दुकानें नजर आई। रश वाले तंग बाजारों से गुजरते हुए बिलाखिर हम इस तारीखी हवेली पहुँच तो गए, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ की हवेली को ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे काम आए सुफियान भट्ट, जिन्होंने हवेली का ताला खुलवाया और हम हवेली में दाखिल हो गए। हवेली में दाखिल होते ही दाएं जानिब एक बड़ा हॉल मौजूद है, जबकि हवेली के अकबे हिस्से में वो कमरा मौजूद है जहां महाराजा रणजीत सिंह की पैदाइश हुई। इस कमरे के बाहर एक बड़ी तख्ती नस्ब है जिस पर महाराजा रणजीत सिंह की तारीख पैदाइश भी दर्ज है। कमरे के अंदर दाखिल हो तो दाएं जानिब 2 छोटे-छोटे खाने हैं जिनके मुताबिक कहा जाता है कि इन्हें उस दौर में अलमारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कमरे से बाहर निकलें तो हवेली की दीवारें चीख चीख कर इस तारीखी विरासत की जबूहाली पर शोर मचा रही हैं। हवेली में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं, दीवारों की ईंटें खोखली हो चुकी हैं। ये जो तारीखी हवेली जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसकी मौजूदा हालत आपके सामने है। यहां पर जानवरों की आमाजगा बन चुका है, बिल्लियों का राज है और कुछ अर्सा पहले तो यहाँ पर नशेइयों की ये आमाजगा बन चुकी थी, लेकिन इंतजामिया की कुछ मेहरबानी की वजह से अब इसके मरकजी दरवाजे को एक ताला लगा दिया गया है। वक्त के वज़रा मशीर जहाँ उमूर सल्तनत चलाया करते थे, वहाँ आज वीरानियों का राज है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो कि बाद में तामीर की गई हैं। हवेली के इतराफ में मौजूद बेशतर गलियाँ आज भी सिख कम्युनिटी के नामों से जानी जाती हैं। दुनिया भर से सिख कम्युनिटी आज भी इस तारीखी इमारत को देखने के लिए आती है, लेकिन डर इस बात का है कि ये इमारत अदम तौजीही की वजह से किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है। इस तारीखी विरासत की मौजूदा सूरत हाल देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। बहुत दुख की बात है कि हमने अपने इस तारीखी विरासत की हिफाजत नहीं की। जरूरत इस अम्र की है कि महकमा आसार कदीमा या दीगर जो इंतजामिया के अफराद हैं, इस तारीखी विरासत की हिफाजत करें, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या इसको अपनी असल हालत में कम अज़ कम इसी तरह ही जो है वो महफूज कर लिया जाए, ताकि ये जो तारीखी विरासत है ये आने वाली नस्लों तक भी ये अपनी इसी हालत में पहुँच सके। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ZXIS News को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।